झुग्गी वाले किसी को वोट नहीं डालेंगे, बात खत्म। हम बहिष्कार करने चुनाव में किसी को वोट नहीं देंगे भाई। मैंने ये ऐलान करा और सबकी सहमति से करा। नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और आप देख रहे हैं पंजाब के श्री नवोदय टाइम्स टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव की सरगर्मियां चरम पर है। तमाम पार्टी के नेता अपने अपने लुभावने वादों के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन इन एमसीडी चुनाव में कुछ वार्ड्स ऐसे भी हैं जहां के लोग अपने जनप्रतिनिधियों से इतने नाराज हैं कि उन्होंने इन चुनावों का बहिष्कार ही कर दिया है। यहाँ के लोगों का मानना है कि नेताओं ने उनके लिए कोई काम नहीं कराया है, जिस वजह से उन्होंने किसी भी पार्टी या नेता का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। नवोदय टाइम्स की टीम इन्हीं इलाकों में पहुंची और जनता से उनके बहिष्कार की वजह जानी। झुग्गी वाले किसी को वोट नहीं डालेंगे, बात खत्म। हम बहिष्कार करने चुनाव में किसी को वोट नहीं देंगे भाई। मैंने ये ऐलान करा और सबकी सहमति से करा। जनता की समस्याएं, जनता की मांग, नेताओं की रैली, चुनावी वादे और आरोप प्रत्यारोप के साथ एमसीडी चुनाव की जंग जारी है। लेकिन इस बीच दिल्ली के कुछ इलाकों के लोग नेताओं से इतने नाराज हैं कि उन्होंने वोटिंग का ही बहिष्कार करने का फैसला लिया है। इन इलाकों में सीलमपुर विधानसभा के गौतमपुरी में वार्ड 226 है, जिसमें गली नंबर 18 के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। इसके अलावा जहांगीरपुरी में भी जी ब्लॉक के वार्ड 15 और 16 के लोगों ने भी चुनाव का बहिष्कार किया है। यहां के निवासियों ने ये फैसला क्यों किया है, जानते हैं इसके पीछे की वजह इन्हीं की जुबानी। यहाँ के हालात देखो आप, क्या हैं गलियों के, नाली के हालात देखो क्या हैं। जरा सी बारिश आ जाए घरों के अंदर पानी भर जाता है। यहाँ पे नालियाँ बिल्कुल मुंह पर रखी हुई हैं, बिल्कुल लप लप चल रही हैं। जरा सी कीचड़ नहीं निकलता, आता है तो कभी कभी बस तीली से उन्हें हिलाया और चले गए। ज़्यादा कहने पर भी एप्लीकेशन लगाओ या उनके जो मेन उनका आदमी है, मैनेजर है, उसको क्या नाम है, जाकर कहो तो वो भेज देता है। उसके बावजूद भी कुछ पैसों की मांग होती है कि खुद का खर्चा पानी दे दो, कुछ चाय पानी दे दो, इस तरह के। और बहुत ज़्यादा खुशामद करनी पड़ती है, जब जाके तो आता है। 10-10 जने जाते हैं, अभी गली में कोई प्रोग्राम हो, किसी की शादी हो घर में, उसके घर में पानी भर रहा है। ऐसी हालत हो जाती है गली की बहुत ज़्यादा बुरे। और जो है पिछले 15 सालों से यही कंडीशन है इस गली की। समस्याएं हैं जिसकी वजह से आइए, हमारी समस्याएं सुनने वाला कोई है नहीं। अनवर भाई ने अभी आपको सारी डिटेल बताई है। यहाँ समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं कि उन समस्याओं को देखने वाला कोई है ही नहीं। एमएलए साहब हमारी नहीं सुनते, निगम पार्षद जो भी आते हैं अपने वोट के लिए तो आ जाते हैं, वोट लेने के लिए मांगने के लिए आ जाते हैं, लेकिन बाद में यहाँ पर झांकता नहीं कोई आगे। इलाके में विकास कार्य न कराए जाने से यहाँ के लोग नाराज हैं। यहाँ के लोगों ने इलाके की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए वोटिंग न करने का फैसला लिया है। खासकर गली नंबर 18 के लोग, जिन्होंने अपना विरोध जाहिर करते हुए बाकायदा पोस्टर भी लगाए हैं। यहाँ के लोगों में नाराजगी विधायक और निगम पार्षद दोनों के लिए है। लोगों का कहना है कि नेता सिर्फ चुनाव के वक्त ही यहाँ आते हैं, समस्याएं भी सुनते हैं, लेकिन समाधान नहीं करते, जिसकी वजह से उन्होंने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। भाई मसला ये है कि इस गली को ये जितने भी नेता हैं सब भूल चुके हैं। ना तो हमारे पास कोई आता, ना यहाँ कोई साफ सफाई करने वाला आता। सुबह को उठ के हमारी गली मोहल्ले की धी बेटी झाड़ू खुद लगाती है, नालियाँ हो जाएं हम खुद सफा करते हैं। जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं, पूरे मोहल्ले ने मुझे यहाँ पे 23 तारीख को इस गली का मुखिया चुना, कहा कि आप ही ये कुछ काम करवा सकते हैं। मैंने ये ऐलान करा और सबकी सहमति से करा। गली के अंदर तकरीबन 700-800 वोट है। इस गली के अंदर 265 मीटर की लंबी ये गली है। इस गली के अंदर ना तो कोई कभी झाड़ू वाला आता है, ना कूड़ा उठाने वाला आता। अगर कूड़ा उठाने वाले को पहले बुलाओ तो उसकी जेब में 100-200-500 रुपये डालो, जब वो आएगा कूड़ा निकाल के डाल जाएगा, डालने के बाद में हफ्तों का पता नहीं और महीनों का पता नहीं वो कब उठा के ले जाए। आप मेरे साथ चलें, गलियों की हालत देखें क्या कंडीशन है। यहाँ पर नरक से बदतर ज़िंदगी में हम लोग जी रहे हैं। नेताओं से नाराजगी का यही आलम जहांगीरपुरी के जी ब्लॉक में भी देखने को मिला, जहां वार्ड 15 और 16 के लोगों ने इलाके की अनदेखी का आरोप निगम पार्षद और विधायक पर मढ़ते हुए इन चुनावों में वोटिंग का बहिष्कार करने का फैसला किया है। हमने इसलिए करा है, हमें ये पता लगना चाहिए हमारा एक नेता होना चाहिए। ये दो वार्ड में जो बढ़ गए हैं, इस पब्लिक इसलिए भड़की हुई है। अब ये बताओ हम किसको पूछें, एक नेता होगा तो हम कोई भी दुख है तकलीफ है तो हम उनके पास जाके अपनी परेशानी बता सकते हैं। कूड़े के बारे में होगा, नालियों के बारे में होगा, जिस नेता के पास जाते हैं वो कहता है वही मेरे एरिया नहीं है, वो कहता मेरा एरिया नहीं है। अब ये बताओ यहाँ पे हमारे जीवला
इलेक्शन के टाइम झाड़ू वाला और कांग्रेस बीजेपी सब आता है वोट मांगने के लिए, लेकिन हम किसी मसले के लिए किसी के पास जाते हैं तो कहता है ये मेरा वार्ड नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, आप पवन शर्मा के पास जाओ। पवन शर्मा के पास जाते हैं कहता है गरिमा गुप्ता के पास जाओ, गरिमा गुप्ता के पास जाते हैं तो कहता है विधायक के पास जाओ, मुकेश गोयल के पास जाओ, वो मना कर देता है कोई काम करके राजी नहीं है या गरीब आदमी है, कोई जाकर हॉस्पिटल में जाए इलाज के लिए इलाज होता नहीं है और साफ सफाई यहाँ का बढ़िया नहीं है। यहाँ के लोग कूड़ा गंदगी जलभराव और गंदे पानी की समस्याओं से परेशान हैं। इन्होंने साफ किया है कि किसी भी पार्टी ने इनकी सुध नहीं ली है, लिहाजा ये किसी भी दल को वोट नहीं करेंगे। हमारे वार्ड को दो हिस्सों में बांट दिया गया 15 और 16 में, जब एक बार तब काम नहीं होता था, अब कहाँ से काम होगा। पब्लिक जरा जरा से काम के लिए परेशान कर, नाली साफ करो, इधर खरंजे बिछवाना है, नल लगवाना है, पार्क सारे टूटे पड़े हैं, सारे पार्क में बैठने लायक नहीं है, कूड़े कबाड़ा भरा हुआ, लोग कूड़े डालते हैं, अब किसको बोले। दिल्ली के इस दंगल में जीत के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है, लेकिन सीलमपुर और जहांगीरपुरी के वोटर नाराज हैं और अपने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ गुस्सा जाहिर करने के लिए उन्होंने वोट का बहिष्कार किया है। ऐसे में देखना होगा कि कौन सा नेता ऐसा होता है जो यहाँ की नाराज जनता को मना पाता है और वोटिंग के लिए राजी कर पाता है। एमसीडी चुनाव से जुड़ी ये खबर हमारे लिए कवर की है हमारे संवाददाता शहजादा हाशमी और इशरार अहमद ने। वहीं कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं विनोद चौधरी। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।